यानी कि पुश बटन प्रोक्योरमेंट को जेन पर बायर्स के लिए ऐड किया गया है। इस ऑप्शन के जरिए बायर सीधे सीधे 1 लाख तक की परचेस पोर्टल से कर सकते हैं। एक्चुअली जेम पर पीबीपी का जो ऑप्शन है उसे ऐड करने का ऑब्जेक्ट ये था कि जो बायर है वो छोटे छोटे प्राइस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उन्हें आसानी से परचेस कर सकें और जो भी परचेस की प्रोसेस है वो थोड़ी और ईजियर हो जाए। अब इस ऑप्शन को यूज़ करने की कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि इसे कौन यूज़ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इस तरह से पीबीपी का यूज़ हम लोग बिड के थ्रू कर सकते हैं। L1 डायरेक्ट परचेस कस्टम बिड का यूज़ नहीं किया जा सकता। इस पर हम सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक की ही परचेस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं कर सकते। और बायर्स के लिए ये परचेस करने का एक अतिरिक्त तरीका यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है। इसे यूज़ करने के लिए किसी को कोई बाउंडेशन नहीं होती कि इसे यूज़ करना ही है या नहीं करना है। जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन का, या ना भी कर सकते हैं। जेम पर पीबीपी मेथड को यूज़ करने के लिए आपकी कंपैरिजन शीट में कम से कम 10 प्रोडक्ट आपकी लिस्ट में होना चाहिए जिनका आपका कंपैरिजन करना है, और उस कंपैरिजन के थ्रू ही आप पीबीपी से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा बायर के पास कम से कम 5 बिड होनी चाहिए इस बटन को यूज़ करने के लिए। सो अब ये कि पीबीपी जो क्रिएट होता है, पीबीपी नोटिस जो होता है या जो बायर होता है वो पीबीपी कैसे पोर्टल के ऊपर जो है वो पब्लिश करेगा, तो कुछ नहीं, सबसे पहले बायर को अपना अकाउंट जेम पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद उन्हें कैटलॉग में जाकर, कैटेगरी में जाकर अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे सर्च करना है। जब प्रोडक्ट का जो पेज ओपन होगा वहाँ पर साइड में एक पीबीपी का ऑप्शन है इंटेंट ऑफ बाइंग में, वहाँ पर पीबीपी के ऑप्शन पर वो क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज दिखेगा जहाँ पर डिलीवरी लोकेशन मांगी जाएगी। वहाँ आपकी डिलीवरी लोकेशन डाल के उसे सेट करने के बाद, जैसे ही उसे सेट करेंगे तो इस तरीके से एक L1 का पेज ओपन होगा। L1 पे कई सारे प्रोडक्ट दिए होते हैं, कई सारे ब्रांड दिए होते हैं, उन्हें हमें कंपेयर करना होता है, सबकी प्राइस हमें कंपेयर करनी होती है। तो प्राइस कंपेयर करने के लिए हमें जो ये जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कंपैरिजन शीट में ऐड करना होता है। जैसे नीचे दिया हुआ है ना, ब्रांड सॉफ्ट 6 सॉफ्ट बेड, नीचे एड आइटम टू कंपेयर दिया हुआ, एड आइटम टू कंपेयर, यानी कि यहाँ पे हम एक एक बिड को यहाँ से ऐड कर करके कम से कम 10 प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे कंपैरिजन शीट में ऐड करना होता है। जब हम सारे प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं तो कुछ हमारे कार्ट में इस तरह से वो सारे ब्रांड दिखाई देते हैं, सारे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर बायर को सभी के प्राइस कंपेयर करने होते हैं कि किस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे कम है। जिस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे कम होता है उसे पीबीपी नोटिस उस प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। फिर सबसे कम प्राइस वाले प्रोडक्ट को चूज़ करके जैसे ही उसे सिलेक्ट किया जाता है तो एक पेज ओपन होता है जिसमें नीचे क्रिएट पीबीपी का नोटिस का जो होता है वो ऑप्शन दिया जाता है। फिर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऐसा कुछ पेज ओपन होता है। इस पेज पर हमें सारी डिटेल डालनी होती है, छोटी सी, के जो हमारा कंजाइनी है उसका डिलीवरी लोकेशन क्या है, आइटम का नाम क्या है, और टोटल उसमें कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, और जो भी इसमें डिटेल्स हमसे मांगते हैं, एक जनरली डिटेल मांगते हैं, वो हमें यहाँ देनी होती है। पूरी डिटेल फिल करने के बाद नीचे पब्लिश पीबीपी पे हम क्लिक करते हैं, तो हमारा जो ये पूरा फिल होने के बाद जैसे ही हम पब्लिश पीबीपी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन होता है जहाँ से हम ओके करते हैं, और जैसे ही हम ओके करते हैं तो जो पीबीपी नोटिस होता है वो पब्लिश हो जाता है। इस तरह से जो बायर होते हैं वो पीबीपी बटन का यूज़ करके जो इस तरीके से बिड निकालते हैं, और जो भी सेलर होते हैं वो इस यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर सारे जब सेलर पार्टिसिपेट करते हैं तो जो बायर होते हैं वो उन सबका कंपैरिजन करते हैं, और जो सबसे सही बिड होने लगती है, सबसे सेलर जो सबसे सही लगता है उसे वो अपना जो ये पीबीपी जो बिड होता है वो उन्हें इशू कर देते हैं। सो ये था पीबीपी बटन जो बायर यूज़ करता है। इसमें जो सेलर होते हैं उनकी भी बिड की तरह ही जो प्रोसेस होती है, जिस तरह से वो बिड में पार्टिसिपेट करते हैं उसी तरह से उन्हें पीबीपी जो नोटिस होते हैं उन्हें भी पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये थी पीबीपी की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा पीबीपी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमने दी हुई है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।